दिलीप कुमार से करती थी बेपनाह प्यार, वक्त ने थाया सितम, जीजा से मजबूरन करनी पड़ी शादी। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार अपनी फिल्मों के अलावा अपने पर्सनल लाइफ की वजह से भी सुर्खियों में छाए रहते थे। यूं तो दिलीप कुमार सिल्वर स्क्रीन पर कई लव स्टोरी में नजर आए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ट्रेजेडी किंग की रियल लाइफ लव स्टोरी अधूरी रह गई थी। दिलीप कुमार ने अपने से कई साल छोटी शायरा बानो से शादी तो कर ली थी, लेकिन उससे पहले इस एक्टर का दिल एक बार बुरी तरह टूट चुका था। तो चलिए आज आपको दिलीप कुमार के पहले अधूरे इश्क के दिल छू लेने वाली दास्तान सुनाते हैं। दिलीप कुमार के जिस पहले और अधूरे प्यार की हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मशहूर एक्ट्रेस कामिनी कौशल थी। दिलीप कुमार और कामिनी कौशल ने 1948 में आई फिल्म शहीद में एक साथ काम किया था। इन दोनों की पहली मुलाकात भी इस फिल्म के सेट पर हुई थी और धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियां बढ़ने लगी। फिल्म की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार और कामिनी कौशल का इश्क परवान चढ़ने लगा। ये दोनों ही एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगे और बात इस हद तक पहुंच गई कि ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बन जाना चाहते थे। लेकिन इस प्रेम कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। दरअसल एक्ट्रेस कामिनी कौशल पहले से ही शादीशुदा थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस एक्ट्रेस ने बिना अपनी रजामंदी के परिवार के दबाव में आकर शादी कर ली थी। कामिनी कौशल को अपने ही जीजा से शादी करनी पड़ी थी। दरअसल इस एक्ट्रेस की बहन की एक हादसे में अचानक मौत हो गई थी और वो अपने पीछे अपने दो बच्चे छोड़ गई थी। कामिनी के बहन के बच्चों को मां का प्यार मिल जाए इस वजह से एक्ट्रेस के परिवार वालों ने उनकी शादी उनके बहन के पति से करा दी थी। जब कामिनी कौशल और दिलीप कुमार के रिश्ते के बारे में एक्ट्रेस के घर वालों को पता चला तो इस एक्ट्रेस की ज़िंदगी में तूफान आ गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कामिनी के भाइयों ने तो दिलीप कुमार को जान से मार देने तक की धमकी दे डाली थी। परिवार के दबाव में आकर और दिलीप कुमार की जान की फिक्र करते हुए इस एक्ट्रेस ने हमेशा के लिए ट्रेजेडी किंग से रिश्ता तोड़ दिया। ऐसे ही ताज़ा तरीन न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।